पसंद आया, मतलब अंकल जी दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे 120 का दूंगा, मैंने कहा 70 रुपये ले लो, बोल रहे एक बात बोलूँ, मैंने कहा हाँ बोलो, बोल रहे 80 में दूंगा, मैंने कहा 70 से 1 रुपये ज़्यादा ही नहीं दूंगा। कैसे हो, मज़ेदार? तो भाई साहब स्वागत है इस वीडियो में, इस ब्लॉग में। तो अभी मैं जा रहा हूँ रत्नागिरी बाईपास रोड पे हूँ, और मैं जा रहा हूँ आज घूमने भोपाल, भोपाल कहाँ, हमीदिया बाईपास, हमीदिया पे जा रहा हूँ, कुछ काम है, पर्सनल काम है, और घुमाऊंगा अभी आपको। तो अभी लाइक कर देना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो प्यारा सा, अब आपको मस्त मस्त ब्लॉग दूंगा। तो चलता हूँ अभी, मैं बस में बैठता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट। देखो गाइस वो खड़ी बस 115 नंबर, उसी में जाऊंगा मैं डायरेक्ट हमीदिया। तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पहला वाला है क्योंकि मेरे पास डाटा कम है, तो इसलिए मैं 3 पार्ट में डालूंगा। तो प्लीज़ आप तीनों ब्लॉग देख लीजिए, मैं बिल्कुल उनको साथ में अटैच करके डालूंगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। थैंक यू। भोपाल की मेट्रो ट्रैक देखिए गाइस, कितना शानदार लगता है यहाँ पर। तो जस्ट 1.5 घंटे बाद अभी मैं पहुंचा हूं हमीदिया। ये देखो, मतलब 1.5 घंटा लग गया यार, बस में बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया। ये इतना विकसित एरिया है ना, यहाँ पे आपको रोड पार करने के लिए भी वेट करना पड़ेगा, मतलब आसानी से आप रोड पार नहीं कर सकते, इतना चलता है ये वाला रास्ता, क्या ही बताऊँ। तो फिलहाल मैं अपना काम कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको सारा कुछ घूम के, मुझे एक काम है उसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। फिलहाल तो भाई साहब ये देखो, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ ना, एक हॉस्पिटल है उसमें थोड़ा काम, और ये देखो ताजुल मस्जिद, इसका मैं ब्लॉग का लिंक आपको दे दूँगा जिसने नहीं देखी हो। तो चलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ, आज का ब्लॉग मस्त होने वाला है, तो लास्ट तक देख लेना प्लीज़, लास्ट तक देख लेना और अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मुझे कमेंट करके बताना कि कोई इस एरिया में आया है या फिर आना चाहता है ना, कहाँ रहते हैं आप, भोपाल में रहते हैं या फिर इस एरिया में रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये देखो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी, वो काम कर लेता हूँ फिर आपको बढ़िया से घुमाऊँगा, मैं भी घूमूँगा और मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना है यहाँ से, बुक्स वगैरह, तो आगे है पुरानी बुक्स मिलती हैं, तो वहीं जाऊँगा और आपको भी दिखाऊँगा। फिलहाल आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। So now I have done my work, so now I'm thinking should I go to back or explore, घूमना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया है कि आई शुड एक्सप्लोर, मुझे घूमना चाहिए, और दिखाता हूँ आपको आस पास का एरिया। तो अभी लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस अभी देखो मैंने एक चश्मा ख़रीदा है, एक्चुअली मेरा पुराना वाला टूट गया था, तो ये ख़रीदा है मैंने 75 रुपीज़ का, लगा के देखता हूँ, काफ़ी बढ़िया है। गाइस कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है, आई थिंक इट्स मैचिंग विथ माई फेस, सो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड द व्यू ऑफ दिस ग्लासेस इज वेरी ऑल्सो इंटरेस्टिंग, मतलब इसके जो ग्लासेस हैं ना, ये देखो ग्लासेस और काफ़ी मस्त दिख रहे हैं,
तो अभी मैं थोड़ा घूमता हूँ। और चश्मा यार मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब अंकल जी दे नहीं रहे थे, बोल रहे थे 120 का दूंगा, मैंने कहा 70 रुपये ले लो, बोल रहे एक बात बोलो, मैंने कहा हाँ बोलो, बोल रहे 80 में दूंगा, मैंने कहा 70 से 1 रुपये ज़्यादा ही नहीं दूंगा, बोल रहे बेटा यार 5 की चाय और पी लूँगा, मैंने कहा ठीक है अंकल ले लो अब आप और मुझे दे दो। ये है गांधी चिकित्सा हॉस्पिटल है ना, और ऐसे बस स्टैंड बने रहते हैं यहाँ पे, मतलब थोड़े VIP टाइप के। और ये ताजुल मस्जिद है ना, तो अभी मैं आगे चलता हूँ जहाँ पे मुझे बुक्स लेनी है वहाँ पे दिखाता हूँ आप। तो अभी जा रहा हूँ मैं, आगे एक दुकान है पुरानी किताबों की, वहाँ पे मुझे कुछ बुक्स वगैरह लेनी है, तो वहीं पे जा रहा हूँ। दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और इससे अगले वाले ब्लॉग में आपको आगे वाला देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ अगला वाला ब्लॉग देखें।